हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको एक वाईफाई आउटडोर कैमरे के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सी पी प्लस का ई कैम मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर है V21A। 2MP का फुल HD कैमरा है। इसको आप आउटडोर में यूज कर सकते हो, इसका मतलब कि ये वेदर प्रूफ कैमरा है, आपको बरसात में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, इसको आप बाहर यूज कर सकते हो। इससे पहले मैंने एक आपको सी पी प्लस का ई कैम मॉडल दिखाया था, जो कि इंडोर यूज के लिए होता है, उसको आप बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इसका फुल रिव्यू लेंगे, इंस्टॉलेशन देखेंगे। जिसने भी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। और इंस्टॉलेशन जो होगा वो सेम टू सेम होगा इसका भी और उसका भी, जैसे हुआ था सेम टू सेम इसका भी है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जैसा कि मैंने कैमरे का बॉक्स ओपन कर लिया, अब आपके सामने आपका वाईफाई कैमरा है। इसमें साथ में ही केबल लगी हुई है। आप इससे पहले जो भी मॉडल थे आपने देखा था, उसमें केबल जो हुई वो भी अलग थी, आपको बाद में लगाना होता था। यहाँ पे साइलेंट IR दिया गया है, आपको ऊपर से कोई भी लाइट नहीं दिखेगी, टोटल ब्लैक स्क्रीन में है। और यहाँ पे जो है आपका मेमोरी कार्ड और रिसेट का बटन नीचे है, साथ में एक स्पीकर भी लगा होता है, वो मैं आपको बाद में खोल के दिखाता हूँ। आप यहाँ पर मॉडल देख सकते हैं इसका, ये आपको 1.5-2 मीटर की केबल दी गई है, साथ में USB साथ में आपको दिया गया है। यहाँ पे अडेप्टर के पावर के लिए, ये अडेप्टर देखिए 5V 1 एम्पियर का अडेप्टर इसके साथ में ही रहता है, जिससे कि हमें पावर देना होता है। ये इस तरह से इसमें आपको लगा लेना है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है, बाकी सब लोग जानते ही हैं आप लोग। साथ में ही आपको गुल्ली और पेच वगैरह मिल जाता है इसको माउंट करने के लिए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं पहले कि आपका मेमोरी कार्ड जो होगा रिकॉर्डिंग के लिए वो कहाँ लगेगा। तो उसके लिए हमें ये खोलना पड़ेगा पहले एक स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। इसको मैं खोल लेता हूँ। ये खोलने के बाद आप देख सकते हैं साथ में इसके एक स्पीकर लगा हुआ है, और आप अंदर में यहाँ देख सकते हैं एक स्विच दी गई है, और उसके जस्ट ऊपर आपको मेमोरी कार्ड का जो है स्लॉट दिया गया है, जहाँ पे आपकी मेमोरी कार्ड लगेगी। नीचे रीसेट का स्विच दिया गया है, ये जो नीचे वाला है ये आपका स्विच है, ये आपका स्विच है, इसके ऊपर ही आपको मेमोरी कार्ड का जो है वो स्लॉट दिया गया है। तो इसको ओपन करके आपको मेमोरी लगा लेना है, रीसेट की कभी अगर ज़रूरत पड़ी आपको यहाँ से ओपन करके ही रीसेट करना पड़ेगा। इसको हम वापस से पैक कर देते हैं। अभी मुझे मेमोरी कार्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको केवल दिखाने के लिए ही ओपन किया हूँ। अब हम केबल को अपने ओपन कर लेते हैं, और इसको पावर देने के लिए पहले अडेप्टर में लगाएंगे, उसके बाद अडेप्टर को जो होगा वो अपने बोर्ड में लगाएंगे, जहाँ से आपको AC पावर मिलेगी। इसको मैं अपने बोर्ड में लगा देता हूँ। बोर्ड में लगाने के बाद आपको यहाँ पे इंडिकेटर शो होगा थोड़ी देर बाद। अभी मैंने पावर दे दिया है, कुछ देर बाद आपको वॉइस के जरिए इंडिकेट भी होगा, साथ में एक लाइट भी जलेगी। देखिए लाइट जो होगा वो इंडिकेटर ऑन हो गया है, साथ में आपको वॉइस से पता भी चल जाएगा कि आपका कैमरा जो ऑन हो गया है। और साथ साथ में ही आपको इंस्टॉलेशन के साथ साथ में ही ये आपको इंडिकेट करता रहेगा कि अभी आपको क्या स्टेप करना है। तो अभी जैसे वाईफाई के लिए कमांड कर रहा है कि आप इसको वाईफाई दीजिए। तो अब हम आते हैं अपने फ़ोन स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको कैसे इंस्टॉल होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इजी कैम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इजी कैम डाउनलोड करने के बाद आप ओपन करेंगे, और अगर फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। वो चीज़ मैंने पिछली वाली वीडियो में बता रखा है, इस वजह से मैं डायरेक्ट जो होगा वो आपको ऐड करना सिखाता हूँ, कैसे आपको उसमें ऐड करना है। जैसे आपने नेट ऑन करने के बाद आपको जो भी वाईफाई से कनेक्ट करना है, पहले उस वाईफाई को
अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे प्लस के आइकन पे आपको क्लिक करना है। ये प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ कई सारे कैमरे के मॉडल जो होगी वो ओपन हो जाएंगे, जिसमें से जो अपने कैमरे का मॉडल आपको सेलेक्ट कर लेना है CP-V21A। ये हमारे कैमरे का जो मॉडल है ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपने वाईफाई का जो नेम होगा वो आ जाएगा, आप अगर उससे कनेक्ट हैं उसका पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद ये इंटरफेस खुलने के बाद आपको इस बारकोड को अपने कैमरे के लेंस के सामने रखना है, जिससे कि कैमरा आपका जो होगा वो इसको स्कैन कर लेगा। उसके बाद आपको प्रमोट का ऑप्शन जो नीचे दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे सारा वॉइस जो होगा वो कैमरा आपको इंडिकेट करता रहेगा, उसमें से वॉइस आती रहेगी कि कैमरा ऐड हो चुका है। और यहाँ पे आने के बाद आपको सीधे डन पे क्लिक करना है तो कैमरा आपका जो ऑनलाइन दिखा रहा है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अभी हमें यहाँ इसको अपडेट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये अपडेट का ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से एक वन टाइम के लिए अपडेट कर देते हैं, इसको ऑटोमेटिक अपडेट हटा देते हैं। अपडेट पर करेंगे, स्टार्ट अपडेट कर देते हैं और आपके वाईफाई में जो भी स्पीड होगी उस तरह से ये उतनी जल्दी उतनी देर में अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद कैमरा ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कैमरा जो है वो हमारा ऑन हो चुका है और कैमरे में साथ साथ इंडिकेटर वॉइस के ज़रिए होता ही रहता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं सेम पुराने वाले कैमरे में जैसे था सेम वही मॉडल इसमें भी दिया गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन से। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये मेरी गैलरी में आके सेव हो जाएगा। यहाँ से आप टू वे टॉकिंग कर सकते हैं कि आपका जो वॉइस होगा वो उस कैमरे के पास सुनाई देगा। यहाँ पे आप कॉल करेंगे, ये कॉल पे कॉलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे रेड कलर का सिंबल बन जाएगा, ये कॉल एंडेड हो गई। अब यहाँ पे आप वीडियो सेव कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो आप डायरेक्टली अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, ये आपके एप्लीकेशन की गैलरी में ही सेव हो जाएगा, साथ साथ आपके उस फ़ोन गैलरी में भी सेव हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें जो भी ऑप्शन है मैंने इसको पूरी तरह से पहले वाली वीडियो में बता रखा है। इस तरह से आप देख सकते हैं प्लेबैक का ऑप्शन है, गैलरी, थीम, कलर, प्राइवेट मोड, मोशन डिटेक्शन। मोशन डिटेक्शन जो है इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये 360 डिग्री नहीं है, तो इसमें केवल आप अलार्म सेट कर सकते हैं कि कोई भी मोशन होगा तो वहाँ पे अलार्म आपको मैसेज आ जाएगा, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे सारी डिस्क्रिप्शन में आपको सेटिंग दी गई है, आप यहाँ से अपने स्टोरेज को अपने मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं और कई सारी चीज़ें दी गई है। उस कैमरे में मैंने एक चीज़ नहीं बताया था आपको कि आपको अगर अपना कैमरा दूसरे फ़ोन में देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं, तो इसमें मैं उसको क्लियर कर दूँ आपको, कई सारे लोग इसको नहीं जान पा रहे थे। आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना, सबसे ऊपर ऑप्शन पे जाना है, सबसे नीचे शेयर डिवाइस के ऑप्शन मिलेंगे, सबसे नीचे आप देखें शेयर डिवाइस। शेयर डिवाइस पे जाने के बाद आपको ऐड शेयरिंग करना है। ऐड शेयरिंग पे जब जाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा नीचे वाला जो होता है। यहाँ पे आपको अकाउंट जो दूसरे फ़ोन का जो आप VGCam का अकाउंट बनाए रहेंगे वो यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद डन करना है, तभी दूसरा कोई आपका कैमरा जो है वो चला सकता है, नहीं तो कोई चला नहीं सकता जब तक आप अपने फ़ोन से रिमूव नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको अगर बेहतर समझना हो तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें से मैंने पूरी तरह से बताया था कि आपको कैसे क्या कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।